सबसे पहले तो इसको हम निकालेंगे, इसके अंदर से देखते हैं, खोलते हैं पहले इसको। देखिए इसके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी भर गया है। ये हम लोग का 3 या 4 साल पे खुल रहा है पहली बार वॉशिंग मशीन। इसके अंदर देखिए बहुत ज्यादा ही गंदगी भर गया है, देख सकते हैं। वो कहाँ है तो मतलब इतने दुआरे का अभी इसको, चिल्ला तुम कस्टमर हैं दुआरे, चिल्ला तुम। अब इसको बीच वाले को खोलेंगे, इसके अंदर से भी बहुत ज्यादा गंदगी निकलेगा। खुला है क्या? अब इसको खोलेंगे ये बीच वाले को पहले, ये खुल गया। अब इसके अंदर जो पेच है उसको ओपन करेंगे, फिर उसके बाद इसका पार्ट पूरा ओपन होगा। इसका पेच ओपन करेंगे, देखिए इसका ऑलमोस्ट पेच ओपन हो चुका है, इसको निकालेंगे। अंदर क्या क्या लगा है इसको, तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा फिर से। अब देखो इसको निकाल लेंगे, देख रहे हैं आप कितना ज्यादा गंदगी है नीचे, देखिए। ये ओपन हो गया है फ्रेंड्स, अब इसको हम क्लीन करेंगे। देख रहे हैं पानी डालने के बाद भी अपने से क्लीन नहीं हो रहा है। अभी हम इसको ब्रश से साफ करेंगे। ये वाला पार्ट इसके नीचे का नहीं खुलेगा क्योंकि अब इसके नीचे मोटर लगा है, अब वो खुल जाएगा तो खराब होने का डर है, तो इसलिए उसको ओपन नहीं करते हैं। अब इसको इसी में वॉशिंग पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा और डाल देते हैं, अब इसको क्लीन करते हैं। इसका ये ड्रेन पॉइंट है, यहां से ही ड्रेन होता है पानी। देख सकते हैं कितना काला काला इधर छूट रहा है। छोटा वाला ब्रश की भी जरूरत लग रहा है, जरूरत पड़ेगी। बंद कर दो। तो फ्रेंड्स ये देखिए क्लीन कर दिए हैं। अब इसके और भी पार्ट्स जो हैं उसको भी क्लीन करना है। ये साफ हो रहा है अब।